एक बार फिर से आप सबका स्वागत है आपके अपने चैनल में। आज हम आप पर बात करेंगे जो बिग बैश लीग T20 का आज के मैच का, आज का जो मैच होगा द क्वालिफायर। क्वालिफायर मतलब जो भी टीम ये मैच जीतेगी वो सीधा फाइनल में जाने वाली हैं, तो दोनों ही टीमों के लिए ये बहुत अच्छा इम्पोर्टेंट मुकाबला है। तो बस आपको वीडियो अंत तक पूरा वॉच करना है, ये वीडियो आपको बहुत ज़्यादा हेल्प पहुँचाएगा। सबसे पहले भाइयों, अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए और अगर आपने अब तक टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन नहीं किया है तो सबसे पहले आपको टेलीग्राम चैनल को ज़रूर ज्वाइन कर लेना है। टेलीग्राम चैनल का जो लिंक है वो आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में और कमेंट सेक्शन में, सबसे पहले कमेंट में भी आपको टेलीग्राम चैनल का लिंक मिल जाएगा। और टेलीग्राम चैनल पर ही आपको जो आज का ₹500 का आपके लिए गिव अवे है ना, उसका विनर भी पता चलेगा। गिव अवे का क्वेश्चन क्या है वो मैं आपको आगे वीडियो में बताऊँगा। तो सबसे पहले बात करते हैं यहाँ पर इस मैच के बारे में। तो ये मैच 1:45 पर स्टार्ट होगा। मैच खेला जाएगा ऑप्टस स्टेडियम पर्थ में, जो कि पर्थ स्कॉचर्स की टीम का होम ग्राउंड है। तो ध्यान रखना, इनके विनिंग करने के चांसेस थोड़े से हाई यहाँ पर रहेंगे। और ये जो विकेट है ना भाई, बैटिंग को भी मदद करता है और यहाँ पर ना पेसर्स को भी अच्छी खासी हेल्प मिलती है। एवरेज स्कोर 150 से 180 बनता है। 7 मैचेस यहाँ पर अब तक हुए हैं, 2 जीते हैं बैटिंग फर्स्ट करने वाली टीम ने, 5 में चेज हुआ है। मतलब चेज ही करना यहाँ पर थोड़ा सा इजी काम है एज कम्पेयर टू बैटिंग फर्स्ट करने के। जो 7 मैचेस यहाँ पर अब तक हुए ना, उसमें आप देखो, फर्स्ट इनिंग में 38 विकेट फास्ट को, स्पिनर्स को 12 विकेट है। सेकेंड इनिंग में फास्ट को 25 विकेट, स्पिनर्स को 9 विकेट है। तो ओवरऑल अगर आप देखोगे तो यहाँ पर फास्ट बॉलर्स को ज़्यादा विकेट्स मिलते हैं। इन दोनों टीमों के बीच में अगर आप देखोगे तो टोटल 26 मुकाबले अब तक हो चुके हैं, जिसमें से पर्थ स्कॉचर्स की टीम ने 16 मैच जीते हैं और सिडनी सिक्सर्स की टीम ने 10 मैचेस जीते हैं। तो पहले बात कर लेते हैं अपने यहाँ पर पर्थ स्कॉचर्स की टीम की। पर्थ स्कॉचर्स की टीम लास्ट के 6 मुकाबलों में से कोई भी मुकाबला यहाँ पर नहीं, एक मुकाबला आ रही है, सॉरी 5 मुकाबले जीती हैं। ओपन करेंगे स्टेफन एस्केनाजी और उनके साथ में आएंगे कैमरन बैनक्रॉफ्ट। स्टेफन एस्केनाजी की बात करूँ तो 11 है, 40 है, 66 नोट आउट है, 0 है, 17 है, 54 है। तो बढ़िया फॉर्म में लग रहा है। लास्ट के 5 में से 3 मैच में इसकी बड़ी नोक आई है। हेड टू हेड में भी बढ़िया रिकॉर्ड है, एक मैच में 66 रन, इंपॉर्टेंट रहेगा। कैमरन बैनक्रॉफ्ट देखो, ये ना कुछ मैच में चलता है, कुछ मैच में बिल्कुल फ्लॉप होता है। जैसे कि लास्ट के 6 में से ना 2 मैच में इसने बड़ी नोक खेली है, 55 नोट आउट और 95 नोट आउट। लेकिन उसके अलावा अगर आप देखोगे 6-1-1-7 और हेड टू हेड में भी रिकॉर्ड कुछ खास है नहीं, 9 मैच में सिर्फ 132 है। तो अगर इसकी टीम पहले बॉलिंग करती है तो फिर मैं शायद इसको टीम में ना रखूं, अगर इसकी टीम पहले बैटिंग करती है तो मैं इसको टीम में रख लूंगा। एरन हार्डी है, ये अच्छा प्लेयर है, 65 नोट आउट है, 11 नोट आउट है, 1 है, 90 नोट आउट है, 43 है, 22 एक विकेट है। इंपॉर्टेंट बात है कि इसने लास्ट मैच में बॉलिंग भी करवाई थी, 1 ओवर की, ज़्यादा नहीं करवाई थी। तो अगर बॉलिंग भी करवाता है तो एरन हार्डी बेस्ट पिक है। हेड टू हेड में 8 मैच में 182, 30 का एवरेज, 0 विकेट है। जोस इंग्लिश 67 नोट आउट, 9 बैटिंग, 11-53, 22 नोट आउट, 6 रन, ये इसके लास्ट के 6 मैचेस रहे हैं। और हेड टू हेड में 12 मैच में 258 है, विकेट कीपिंग सेक्शन से अच्छा ऑप्शन है। एस्टन टर्नर आज के मैच का ट्रंप रहेगा, कौन सी कंडीशन में, जब यहाँ पर इनकी टीम सेकंड बैटिंग करेगी। क्योंकि फिर मैं क्या करूँगा, मैं यहाँ पर बैनक्रॉफ्ट को ड्रॉप करूँगा और टर्नर को अपनी टीम में लूँगा। टर्नर को टीम में रखने का मेरा सिर्फ एक ही लॉजिक है कि 2 से 3 ओवर बॉलिंग करवा सकता है, 7 के साथ बैटिंग करेगा नंबर 5 पर। और फिर मैं मान के चल रहा हूँ कि भाई बैनक्रॉफ्ट फेल होगा तो इसकी बैटिंग भी आने वाली है, इसलिए मैं इसको टीम में रखूँगा। लास्ट के 6 मैच में इसके नाम 2 विकेट है बल्ले से, 9 बैटिंग, 23-1-1-2 है, क्योंकि बैटिंग आई नहीं रही इसकी उतनी ज़्यादा। हेड टू हेड में 23 मैच में 460 रन, 4 विकेट है, बढ़िया रिकॉर्ड है हेड टू हेड में। निक हॉपसन काफ़ी नीचे खेल रहा है, सिर्फ 2 मैच में बैटिंग आई है, 2707 किया है, हेड टू हेड में 2 मैच में 35 रन है। कूपर कॉनली 0 विकेट है पहले मैच में, दूसरे में 20 नोट आउट है, कुछ खास प्लेयर है नहीं स्मॉल लीग के लिए। एंड्रयू टाई बहुत शानदार डेथ का बॉलर है, लास्ट के 6 मैचेस में 8 विकेट्स हैं, हेड टू हेड में 20 मैच में 31 विकेट है। अगर इसकी टीम पहले बॉलिंग करती है तो आप इसको कैप्टन भी कर सकते हो। लेंस मॉरिस आज का मैच खेलेंगे क्योंकि मैथ्यू केली जो है बाहर हो चुके हैं इस मैच से, स्क्वाड में भी नहीं है वो। लास्ट के 4 मैच जो इसने खेले उसमें 9 विकेट हैं, बहुत तगड़ा पिक है, बिल्कुल रख के चलना। हेड टू हेड में 4 मैच में 3 विकेट है। डेविड पाइने 4 मैच में 6 विकेट है, हेड टू हेड में 1 मैच में 0 विकेट है। जैसन बेरेंडोफ लास्ट के 6 मैचेस में 7 विकेट है, हेड टू हेड में 14 मैच में 19 विकेट है। तो अभी के लिए मैं क्या मान के चल रहा हूँ कि इनकी टीम पहले बैटिंग करेगी, उस कंडीशन में मैं स्टेफन एस्केनाजी, बैनक्रॉफ्ट, एरन हार्डी, जोस इंग्लिश चारों को रखूंगा, ठीक है। और नीचे से यहां पर बॉलर में रखूंगा एंड्रयू टाई, लेंस मॉरिस और जेसन बेरेंडोफ। इसके अलावा सिर्फ 2 और प्लेयर स्क्वाड में, पीटर हथजोगलू और क्रिस सबबर्ग। इनमें से अगर कोई खेलता है तो उसके स्टैट्स मिल जाएंगे, बाकी कोई भी प्लेयर स्क्वाड में नहीं है। इनकी तरफ से जो लास्ट मैच हुआ था वहां पर स्टार्टिंग के ओवर डाले थे जेसन बेरेंडोफ और डेविड पाइने ने, और डेथ के ओवर डाले थे डेविड पाइने, एरन हार्डी और एंड्रयू टाई ने।
अब सुन लो आप गिव अवे का रूल और उसके क्वेश्चन। गिव अवे का रूल बहुत सिंपल है। सबसे पहले तो आपको देखो इस वीडियो को लाइक करना है, उसके बाद में चैनल को सब्सक्राइब करना है। ये दो काम जो करेगा उसी को देखो गिव अवे मिलेगा। और तीसरी इंपॉर्टेंट बात के गिव अवे का जो भी विनर होगा उसका अनाउंसमेंट टेलीग्राम चैनल पर होगा, तो टेलीग्राम चैनल से जुड़ना आपका बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और गिव अवे का क्वेश्चन क्या है, बहुत सिंपल क्वेश्चन है आज आपको, मतलब किसी ना किसी का आंसर पक्का राइट निकल जाएगा। आपको दो चीज़ें सिर्फ बतानी है कि इस मैच में सबसे ज़्यादा रन कौन बनाएगा, सबसे ज़्यादा रन दोनों टीमों के प्लेयर में से कौन आपको लग रहा है कि सबसे ज़्यादा रन बनाएगा। दूसरा क्वेश्चन ये है कि इस मैच को कौन से टीम जो है ये मैच जीतेगी, पर्थ स्कॉचर्स जीतेगी या फिर सिडनी सिक्सर्स जीतेगी। ये दोनों आप आंसर दे देना कमेंट सेक्शन में, जिसका भी आंसर सही होगा उसको 500 रुपये मैं ट्रांसफर कर दूंगा। तो ये बात आप ध्यान में रखना, बहुत सिंपल क्वेश्चन है आज। मैं कोई ड्रीम पॉइंट आपसे नहीं पूछ रहा हूँ क्योंकि आपके आंसर आ नहीं रहे उसमें सही, इसलिए मैंने आज का क्वेश्चन चेंज कर दिया है। और रूल आपको पता है, लाइक करना है, सब्सक्राइब करना है, टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाना है, आपको पता चल जाएगा कौन है विनर। बात करते हैं अब सिडनी सिक्सर्स की टीम की। लास्ट के 6 मुकाबलों में से कोई भी मुकाबला इनकी टीम यहां पर नहीं हारी है। बहुत बढ़िया फॉर्म है, जोस फिलिपे और स्टीवन स्मिथ ओपन करेंगे। जोस फिलिपे का फॉर्म कंसर्न है, लास्ट के 6 मैच में सिर्फ एक अच्छी नौक आई है 54 की, उसके अलावा 10-6-1-10-8 उतना अच्छा परफॉर्मेंस नहीं है, स्ट्रगल कर रहा है बहुत ज़्यादा। हेड टू हेड में 13 मैच में 352 रन है, रिकॉर्ड बढ़िया है। तो अगर इसकी टीम पहले बैटिंग करती है तो आप रिस्क ले सकते हो। स्टीवन स्मिथ कमाल की फॉर्म में, 36-101-125 नो डाउट 66 है, हेड टू हेड में 5 मैच में 173 रन है। कर्टिस पैटरसन स्टार्ट मिल रहे हैं, 38-2-23-43-2-18, लेकिन बड़ी नोक नहीं है और हेड टू हेड में रिकॉर्ड खराब है, 6 मैच में 71 रन। हेडन कर और डैन क्रिश्चियन, इन दोनों को लास्ट मैच में प्रमोट किया गया था, क्योंकि अगर आप आज के मैच में देखोगे ना तो 100 में से 99% चांस है कि ये दोनों ये नंबर 4 पर आएंगे, नंबर 5 पर आएंगे, और हेडन कर और डैन क्रिश्चियन नीचे आएंगे। लेकिन लास्ट मैच में एक्सपेरिमेंट हुआ था, हेडन कर लास्ट के 6 मैच में 5 विकेट है, हेड टू हेड में 8 मैच में 87 रन 11 विकेट है। डैन क्रिश्चियन देखो कभी कभार एक ओवर की बॉलिंग करता है, बैटिंग नीचे करता है, तो उतना सेफ चॉइस नहीं है स्मॉली के लिए। लास्ट के 6 मैच में 2 विकेट है, बल्ले से 4-1-15 नो बैटिंग 8 है। हेड टू हेड में 22 मैच में 354-24 विकेट है। जीएल में चाहो तो ट्राई कर लेना। मोइजेस हेनरिक्स नंबर 4 पर खेलेगा आज, तो 23-53-6-4-45-23 है, बहुत बढ़िया रिकॉर्ड है इसके, इंपॉर्टेंट रहेगा। हेड टू हेड में 20 मैच में 394 रन है। जॉर्डन सिल्क नीचे खेलता है, प्लेयर अच्छा है लेकिन नीचे खेलता है, 15 है 59 नो डाउट है, 17 नो डाउट है, 31 नो डाउट है, 9 बैटिंग है और 2 हैं। हेड टू हेड में 20 मैच में 320 रन है। बेंडोर्सिस लास्ट के 6 मैचेस में यहाँ पर 8 विकेट हैं और बैटिंग भी ये कर सकता है एंड में आके, ध्यान रखना हिटिंग करता है। हेड टू हेड में 16 मैच में 119-15 विकेट है। सीन एबर्ट बहुत बढ़िया फॉर्म में है, लास्ट के 6 में से ना 4 मैच में इसने 3 विकेट निकाले, तो आप समझ सकते हो फॉर्म। ओवरऑल इसके नाम लास्ट के 6 मैचेस में टोटल यहाँ पर आप देख सकते हो कि 15 विकेट्स हैं और हेड टू हेड में भी 20 मैच में 23 विकेट हैं। जैक्सन बर्ड लास्ट के 6 मैचेस में इसके नाम टोटल 8 विकेट है, हेड टू हेड में 17 मैच में 15 विकेट है। ज़्यादातर पावर प्ले में बॉलिंग कराता है। आई नवीद आज का मेरा सबसे तगड़ा ट्रंप, क्योंकि सामने वाली टीम में ना जो ऊपर के टॉप 4-5 बैटर हैं 5 बैटर वो सारे के सारे राइट हैंडेड हैं और ये डालेगा लेग ब्रेक बॉलिंग, तो इसको विकेट मिलने के इस मैच में हाई चांसेस रहेंगे। सिलेक्शन रेट इसका बहुत ही ज़्यादा डाउन है, हेड टू हेड में आप देख लो 1 मैच में 2 विकेट भी निकाल चुका है और लास्ट के 6 मैचेस में 5 विकेट है। सबसे तगड़ा ट्रंप है आज का, हो सकता है स्टीव कीप भी आज खेल जाए, किसकी जगह, जैक्सन बर्ड की जगह, लेकिन देखना होगा क्या होता है। और इनके अलावा 3 प्लेयर और स्क्वाड में, और स्क्वाड में कोई भी प्लेयर नहीं है। और यहाँ से देखो मैं अभी किसको पिक कर रहा हूँ, तो मैं रख रहा हूँ स्टीवन स्मिथ, हेडन कर, मोइजेस हेनरिक्स, बेंडोर्सिस और सीन एबर्ट। और बेंडोर्सिस को शायद मैं ड्रॉप करके यहाँ पर नवीद के साथ भी जा सकता हूँ। इनकी तरफ से स्टार्टिंग के ओवर डालेंगे सीन एबर्ट और जैक्सन बर्ड, डेथ के ओवर डालेंगे सीन एबर्ट, बेंडोर्सिस और हेडन कर। एनालिसिस वाला जो पार्ट इस मैच का हो चुका है कंप्लीट, चलेंगे डेमो टीम की तरफ, लेकिन उससे पहले अगर आपने अब तक वीडियो को लाइक नहीं किया है तो लाइक कर दीजिए। चलते हैं यहाँ पर डेमो टीम की तरफ। बात करूं डेमो टीम की, तो डेमो टीम में मैंने विकेट कीपिंग सेक्शन से रखा है जोस इंग्लिस को, बैटिंग सेक्शन से स्टेफन एस्कनाजी, कैमरन बैनक्रॉफ्ट, मोइजेस हेनरिक्स, स्टीवन स्मिथ को रखा है। ऑलराउंडर सेक्शन से हेडन कर, एरन हार्डी को रखा है। बॉलिंग सेक्शन से आई नवीद, मेरा ट्रंप, उसके अलावा बैरनडॉप, एंड्रू टाई और सीन एबर्ट को रखा है। कैप्टन मेरे यहाँ से रहेंगे स्टीवन स्मिथ, वॉइस कैप्टन मेरे यहाँ से रहेंगे सीन एबर्ट, लेकिन ये फाइनल टीम नहीं है। फाइनल टीम सारा डिपेंड करेगा टॉस के ऊपर, मैंने आपको समझा भी दिया है। तो टॉस के बाद टेलीग्राम चैनल पर जुड़ना आपका बहुत ज़रूरी है, टेलीग्राम चैनल का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में और कमेंट सेक्शन में सबसे पहले कमेंट में मिल जाएगा, वहीं पर आपको गिव अवे का विनर जो भी रहेगा उसका भी पता चल जाएगा। गिव अवे का क्वेश्चन मैंने आपको वीडियो में बीच में बताया, तो उस क्वेश्चन का आंसर देकर आप 500 रुपये बिल्कुल फ्री में जीत सकते हो। थैंक यू।